हेलो, यू आर वाचिंग फूड हेवन विद हमीद। अस्सलाम वालेकुम, फूड हैवन विद हमीद में वेलकम करता हूँ आपको। आज दोस्तों कैसे, आप खैरियत से? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबत आफत परेशानियों से बचा के रखे। आज दोस्तों ये बकरे का बट है, ये ओजरी है, बहुत कमाल और गज़ब का जायका है इसमें। इसको क्लीन करने में बहुत टाइम लगते हैं, बहुत अच्छी तरह गर्म पानी से, वैसे ठंडा पानी से, ब्रश से बहुत ज़्यादा इसको सफाई करने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 18 मरतबा इसको हमने धोया, इसको साफ़ किया। इसके लिए बिल्कुल गर्म पानी और नींबू के साथ इसको साफ़ करें बहुत अच्छी तरीके से, और इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा पका के इंशाल्लाह। बहुत ही मुख्तसर वीडियो होगा, कोई डरने की बात नहीं है, वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ रहिएगा, आप बिल्कुल बिल्कुल ही इजी मेथड पे इसको पकाऊंगा इंशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ओके दोस्तों, आज सबसे पहले 1.5 गिलास पानी इसमें डालूंगा प्रेशर कुकर के अंदर, इसको बॉयल करूंगा। साथ ही ये फ्रोजन हुआ हुआ अदरक लहसुन है, ये 3 चम्मच, आप बल्कि 4-5 चम्मच भी आप डालें तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये चिली पिसा हुआ है, ये हरी मिर्च, ये भी डाल दिया 2 चम्मच भर के। ओके, अब मैं 1 चम्मच हल्दी ऐड करूंगा ताकि इसका स्मेल ख़त्म हो जाए, और साथ ही ये 1 चम्मच हल्दी हमने ऐड कर दी इसमें, और साथ ही 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करूंगा, और इसको मैं मिक्स करके दिखाता हूं आपको। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसको मैं बॉईल करूंगा 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर के अंदर। इसको इंशाल्लाह ये मेल्ट हो जाए, गल जाएगा इंशाल्लाह, पक जाएगा, फिर इंशाल्लाह आगे के प्रोसेस करेंगे। ओके दोस्तों, मैंने 2 गिलास पानी और इसमें शामिल किया, और अच्छी तरह तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने बॉईल कर लिया। प्रेशर कुकर मैं बंद कर दिया अभी। इसको एक दफ़ा और मैं ड्रेन करूँगा, और इसको एक दफ़ा फिर से फाइनल राउंड इसको वॉश कर लूँगा, और अगर इसमें पानी होगा तो वो भी बिल्कुल ज़ाया करेंगे, फेंक देंगे। ये देखें, ज़बरदस्त, ये तकरीबन तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा, अभी ये पानी को फेंक दूंगा मैं इंशाल्लाह, और एक दफ़ा और वॉश कर लूँगा इसको, और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने वॉश कर लिया है, हल्का हल्का इसमें हरी मिर्च जो है वो लगी हुई है, लगा रहने दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तमाम किस्म के स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और मीट ये बोटी जो है ये टेंडर हो चुके हैं। ओके, सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगा, 3 चम्मच ऑयल है ये, 2 ओजरी है, 2 गॉट ओजरी है, ये देखें, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हमने लिया। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगा, 2 प्याज है, इसको थोड़ा सा प्याज को मैं ब्राउन करूँगा इसमें। ओके, ये देख सकते हैं प्याज ऑलमोस्ट हमारा ये ब्राउन हो चुके हैं, बस इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। थोड़ा सा शाही ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगा, ये देख सकते हैं थोड़ा सा शाही ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा अगेन अदरक और लहसुन के पेस्ट इसमें ऐड करूँगा, और पहले भी इसको बॉयल करते हुए मैंने मिलाया था इसमें, अगेन मैं थोड़ा सा और मिलाऊँगा इसमें। ये 3 टमाटर इसको भी ऐड कर दिया है, साथ ही 5 हरी मिर्च इसको भी ऐड कर दिया। तमाम मसाला इसी तरह भून के मैं पेस्ट बनाऊंगा, और फिर ओजरी को डाल के इस मसाला को सेट करूंगा इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी चिली, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 स्पून सॉल्ट, ये भी ऐड कर दिया, और 3 चम्मच दही, ये भी ऐड कर दिया। इन तमाम मसाला को अच्छी तरह भून के इसको ऐड करूँगा। अब आइए थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा टिक्का मसाला, बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर फ्लेवर के लिए, ये शान के पाकिस्तान में अवेलेबल मिलते, शान के मसाला है ये टिक्का मसाला है,
इसको मैं थोड़ा सा शामिल करूँगा, तकरीबन डेढ़ चम्मच इतना। इसको भी मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन, ऑलमोस्ट हमारे मसाला ये सब के सब ऐड हो गया है। एक जो चीज रहता है वो मैं ऐड करूँगा इंशाल्लाह। साथ ही ये देख सकते हैं ये सोया सॉस है, ये थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा मैं, इसको भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मेथी, ओके। ये देखिए मसाला के कलर, देखिए मसाला के क्या जबरदस्त कलर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इस स्टेज पे मैं इस बट को बिल्कुल ओजी को मैं इसमें मिलाऊंगा और इसको हल्की आंच में पकाऊंगा इंशाल्लाह और इसको भूनता जाऊंगा। नो वाटर, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालूंगा, इसी मसाला के पानी में ये पकेगा इंशाल्लाह, टमाटर और दही के पानी में। हाँ ये देखिए मिक्स कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस टमाटर और मसाला के अंदर इसको थोड़ा सा पकाऊंगा, कवर करके ढक्कन ढक के पकाऊंगा इसको और इंशाल्लाह इसको भुनाई करते जाऊंगा साथ साथ और इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दोस्तों देख सकते हैं इसको अच्छी तरह भुनेंगे, इसको बिल्कुल पानी सुखा देंगे इसको इंशाल्लाह और मुकम्मल ड्राई करेंगे इसको और बिल्कुल लाल कर लेंगे इसको भून भून कर। बहुत ज़बरदस्त ग्रहण आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार चटपटी बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह, इसको ज़रूर बनाएं। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त कलर पकड़ा हुआ है, इसको मैं भूनता जा रहा हूँ, थोड़ा सा और भूनूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करूंगा मैं एक चम्मच और अब इसको मिक्स करूंगा, थोड़ा सा और भुनाई करूंगा। देखिए कैसे ज़बरदस्त एरोमा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ये तैयार है बिल्कुल एब्सोल्यूट। इसको चाहे आप ब्रेड के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या रूखा ही वैसे ही खाए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए ओके दोस्तों, मेरा ये ओजरी का रेसिपी आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ये मुकम्मल भुनाई के साथ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, बहुत इंजॉय करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसको चखे मैं ज़रूर दिखाऊँगा, थोड़ा ठंडा हो जाए। ओके दोस्तों ये देख सकते हैं इसको मैंने डिश आउट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त कलर आया है, टेक्चर आया है, इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं आप, बिस्मिल्लाह, ओहो हो फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर आप बनाएं और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, ये बहुत टेस्टी है। इसको मैं रोखा ही खा रहा हूँ बिल्कुल, रोटी छोटी की बगैर ही, बहुत मज़ा आ रहा है। आप ही इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको और अपने दोस्तों को, गिरदनवा के लोगों को तमाम मुसीबत आफतों से बचा के रखे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।